थोड़ा सा मथुरा के कोसी में रेप पीड़िता द्वारा विषाक्त पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या करने के मामले में राजनीति तेज हो रही है। सामूहिक दुष्कर्म की शिकार हुई कोसी कला की बेटी से मिलने कांग्रेस का 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मेडिकल कॉलेज पहुंचा। कांग्रेस नेताओं ने पीड़िता से प्रतिनिधि मंडल में शामिल 2 महिला नेताओं को मुलाकात के लिए भेजा। हालांकि अस्पताल में भर्ती बेटी की हालत में अब पहले से सुधार है। पूर्व मंत्री सतीश शर्मा के नेतृत्व में पहुंची 6 सदस्यीय टीम ने पीड़िता के भाई से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली। वहीं पूर्व मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार कानून व्यवस्था में बिल्कुल असफल साबित हुई है। देखिए, पीड़िता से थोड़ी बहुत हम लोगों की बात हुई। उसने कहा कि मैं अभी इस मानसिक अवस्था में नहीं हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा किसी से बात कर सकूँ। ये समझ में आ रहा है कि बहुत अभी जिस अवस्था में वो हैं वो परेशान हैं। उन्होंने कहा मैं आगे चल के हो सकता है बात कर सकती हूँ, आज मैं इस अवस्था में नहीं हूँ। हमने उनसे पूछा कि उनकी क्या मांग है, तो ज़्यादा कुछ वो बोल नहीं रही थी। हो सकता है कि किसी तरह का दबाव भी हो, या आगे देखने का, ये हम लोग जब अपनी जांच आगे बढ़ाएंगे तब हमें जानकारी होगी। क्योंकि आज परिवार का भी कोई अन्य व्यक्ति यहाँ पे हमें नहीं मिला, एक भाई मिला है जो कि मानसिक रूप से पूरी तरह से स्टेबल नहीं है। तो जो दूसरे भाई हैं उनसे मिलने का हम प्रयास करेंगे, तभी जो असल जो कहानी है और जो असल पिक्चर है वो हमें वहीं से समझ में आएगी। वहीं पूर्व CLP लीडर प्रदीप माथुर ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए परिवार के प्रति समर्थन व्यक्त किया और कहा कि कांग्रेस हमेशा पीड़ित परिवार के साथ है। योगी सरकार को पीड़ित लड़की को सरकार में दरोगा के पद पर नौकरी और मुआवजा भी देना चाहिए। देखिए, जैसा कि बताया हमारे पूर्व वक्ता ने, भारतीय जनता पार्टी जुमला बस पार्टी है और ये इसका काम है वायदे करना। रोज उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी बराबर संघर्ष कर रही हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए। 40% रिजर्वेशन उन्होंने पॉलिटिक्स के लिए किया है और बराबर उनके लिए संघर्ष कर रही है, पर भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। गौरतलब है कि लड़की आगरा से दरोगा भर्ती की परीक्षा देकर लौट रही थी, उसी दौरान चलती कार में कुछ युवकों ने लड़की के साथ गैंगरेप किया और फिर सड़क किनारे युवती को फेंक कर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल कराया है। फिलहाल पूछताछ करने पर युवती ने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पंजाब केसरी TV के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।